वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़ा साढ़े यूट्यूब चैनल पर फिर कुछ दसता ही अभी आप उड़े लगे हैं पटियाला शाही पग जिन्हें साढ़े 7 मीटर से जो कपड़ा वो आप फुल फुल वरते हैं जो बल लाने सिर से सेंटर चो लिया के लड़न उन्हें तो खुद बस थे रख लेना तो बंद बस उत्ते रख के दो ही बलों बराबर कर लेना बराबर करके एक बार पलड़ चक के मोड़ लेना है। मोड़ के चंकी तरह एक बार फिर उत्तों मोड़ा तो जो अपना लड़ा वो मोटा हो जाए तो चंकी तरह सफाई जो प्रेस करके आप जो लड़न लगाना है जो बाल जो अपने जोड़ा वादू कपड़ा वो बाल अंदर करेंगे तो फिर आप चंकी तरह प्रेस कर लेना है लड़न तो उस कोई डंगना पवे तो आप उसमें चंकी तरह उसके थले जो आप बेस होने तो तुम एक्सट्रा कपड़ा जो उस नहीं पाना है तो फिर आप लड़न एक बार प्रेस करके लगाना है तो जो आप लगना लड़न वैक तो पेंट करके उत्ते लिया के पुनी दखल बस थले बंद थले रख लेना तो बंद बस उत्ते रख के तो दो ही पलिया बच्चों पेड़ लड़न गोल करना है तो दो ही दो ही पल पलिया बच्चों जो पहला पला होंगे वह आप ज़्यादा खोलेंगे तो चंकी तरह उसमें एक बार फोल्ड कर लेना फोल्ड करके चंकी तरह चौटाई चला कर लेना है लड़न तो लड़न नौकरी सैट कर लेनी तो फिर आप जो लड़न साफ करके चंकी तरह उसका फासला जो आप सैट करके लड़न लगाना है तो जो पकड़ लगा लड़न बैग तो पेंज करके उत्तर लिया के पुनी खोल तो थले रख लेना तो बंद पास उत्ते रख के दो ही पलों में जो पहले पल आप ज़्यादा खोलेंगे तो दूजे पल जो मिटाई वाला पसंद उन्हें आप जोड़ के चंकी तरह लड़न आखिर खोल लेना है खोल के एक बार लड़न होल्ड करना है तो जो उसकी चढ़ाई वादू की चढ़ाई होगी उसमें आप खिंच लेना है खिंच के चंकी तरह एक बार फिर होल्ड करना है तो फिर फोल्ड करके चंकी तरह उत्तों दब के लड़न साफ कर लेना है साफ करके कहाँ जाके जी आप चढ़ाई बधानी है तो जो उस कोई डोंगा ना पवे तो इसमें लड़न साफ करके लगा लेना है तो जोड़े भी साढ़े यूट्यूब चैनल नवे हैं वो साढ़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करो तो जोड़े भी साढ़े फेसबुक पेज उत्ते नवे हैं वो साढ़े फेसबुक पेज में फॉलो जरूर करो तो वीडियो में बात बार शेयर जरूर करो तो पटियाले शाही पग बनाने कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो देख लिया भी प्रॉब्लम का सलूशन कर लेना तो जो पकड़ा लड़ा लड़ा बैंक पेज करके उत्तर आगे अपनी दखल लगना तो बंद बस उत्ते रख तो दो ही बल्ले में जोड़े पहले बल्ले में ज़्यादा खोल के तो उसी तरीके आप लड़न उत्ते सैट कर लेना है तो उस जो तला फांसला वो भी आप सैट करके चंकी तरह लड़न साफ कर लेना है तो अपनी सज्जे पास साइड वालों भी आप जो लड़न साफ करना है तो एक बार लड़न फोल्ड करना है फोल्ड करके चंकी तरह एक बार फिर फोल्ड करना है तो उत्तों दब के लड़न चंकी तरह प्रेस कर लेना है प्रेस करके तो उस कोई बंद नहीं तो उसमें डबल प्रेस करके चंकी तरह लड़न छे सैट करके लगा लेना है तो जो पकड़ लेना लड़न बैक तो पिंच करके उत्तर ले आ गए उन्हीं तो खुद बस थले रखना तो बंद बस उत्तर आ के तो दो ही पलों आप जो कट्ठा कर लेना कट्ठा करके तो एक बार बैग तो लड़न दब लेना है दब के उत्ते लिया के पुनी खोल बस थले रख के उस अपनी पुनी वो सैट कर लेनी है तो पुनी सैट करके अक तक लड़न खोलना है तो उस कोई बाना रहे तो आप जो थले बरीक कपड़े ना आप खिंच लेना है खिंच के तो चंकी तरह उत्तों लड़न सैट कर लेना है सैट करके एक बार लड़न मोड़ लेना मोड़ मोड़ के चंकी तरह उत्तों दब लेना है तो जो अपना वाह है तुम बाद फेर सकते हो पहला भी फेर सकते हो थोड़े डिपेंड है जिम्मे थोड़ा सौखा लगता है उस तरीके कर सकते हो तो लड़न चंकी तरह लोड करके लगा लेना है तो उस फिर उस वाह फेरना वाह जो फेरना पूरी गलाई में तो सफाई में फेरना है तो जो आप वाह है वो टेढ़ चढ़ा के फेरेंगे जो तुम फासला बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आप जो वाह थोड़ा चाक के फेरेंगे तो उतले लड़ाई साड़ी कर लेनी तुम उतले लड़ाई साड़ी कर ली तो अभी सब सजे तो फ्रंट के जोड़े बैग के लड़ हों ने अपनी जी सफाई करने भी चौल शीशा वरत सकते हो तो आप आवाज में बरीक बरीकी जो फेरना है जो फासला जो आप एक जहा रखना है जो आप पहला लड़ा लाया हुआ उसके आप जो बरीक बरीक आवाज फेर के उन्होंने सफाई करनी है तो फिर आप लड़न साफ करना है तो उन्होंने फासला जो सैट कर लेना है तो जो कोई लड़न मोटा होगा उन्होंने आप चंकी तरह बारना प्रेस करके उसू जाने की अपने लड़ा के बराबर वो मिटाई सैट कर लेनी है तो उत्तों लड़ाई सैट कर लेनी है नोक तो लैके पिछले तक जी आप सफाई कर लेनी है तो वीडियो पसंद रहे लाइक शेयर कमेंट जरूर करो तो साढ़े चैनल सब्सक्राइब जरूर करो तो जो पकड़ा लगा लड़न बैग तो पेंट करके उत्ते लिया के पुनी का खुला पास थले रख लेना तो बंद पास उत्ते रख के जो आप जो फसला वो सैट कर लेना है जे किसी वीर पटियाले शाही पग पग का बेस जोड़ा केस की आ किसी वीर वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके जरूर दस्यो तो असी उस बेस की जी अपनी केस की वीडियो जल्दी ही लैके थोड़े सामने हाजिर करा तो जोड़ा पकड़ लगा लड़न बैग तो पेंट करके पुनी का खुला थले रख लेना तो बंद पास उत्ते रख के पुनी चंकी तरह सैट करना है।
ਛਟਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਲੜ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਕ ਤੋਂ ਲੜ ਖਿਸਕਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੜ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪਹਿਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਅੱਧਾ ਉੱਤੋਂ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਚੱਲਿਆ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਲੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਲ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੜ ਲਾਏ ਸੀ ਅੱਖਰ ਲਵੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਣ ਲਾਉਣ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਗ ਪੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਅਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲੈਣਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿਰ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ